गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एंड लिसन मी केयरफुली। हियर द टॉपिक इज़ फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट। तो हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले कुछ वर्ड के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है कैरेक्टर। तो हम लोग पहले जानेंगे कि कैरेक्टर किसको बोलते हैं। तो कीबोर्ड को यूज करके जो भी हम लोग कंप्यूटर में टाइप करते हैं वो सभी कैरेक्टर हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। तो ये कीबोर्ड पे जो भी हम लोग अल्फ़ाबेट्स देखते हैं और स्पेशल सिंबल्स देखते हैं वो सभी कैरेक्टर हैं। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट के बारे में जानेंगे। विशेष साइज और डिज़ाइन का कैरेक्टर जो टाइपिंग के लिए यूज किया जाता है उसे फ़ॉन्ट कहते हैं। और उसके बाद है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट बोलते हैं कंप्यूटर फाइल में जो वर्ड आप टाइप करते हो उसे टेक्स्ट कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड जो कि हमारे टॉपिक में है वो है डॉक्यूमेंट। तो हम लोग सबसे पहले डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो डॉक्यूमेंट बोलते हैं कंप्यूटर फाइल जिसमें टेक्स्ट होता है उसे डॉक्यूमेंट कहते हैं। और टेक्स्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने जाना है कि टेक्स्ट जैसे कि वर्ड जो भी हम लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसर में तो उसको हम लोग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग का मतलब डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट पे कुछ खास इफ़ेक्ट को अप्लाई करके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाना, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। जैसे टेक्स्ट के कलर साइज को सेट करना, टेक्स्ट को अलाइन करना। तो अलाइन का मतलब होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो इस यहाँ जो भी टेक्स्ट प्रिंट किया हुआ है हमारे बुक में इस चैप्टर में इस पेज में, तो आप देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट से राइट की ओर है, यानी लेफ़्ट से स्टार्ट होता है और टाइपिंग यहाँ पर लास्ट एंड हुआ है, तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो यानी लेफ़्ट से स्टार्ट हुआ और राइट पे ख़त्म हुआ। लेकिन अगर ये लैंग्वेज अगर हम लोग टाइप करते अरबी या उर्दू तो वो राइट से स्टार्ट होता और लेफ़्ट में एंड होता। तो ये हुआ टेक्स्ट को अलाइन करना। और अलाइनमेंट में ये भी आता है मार्जिन वगैरह भी हम लोग सेट करते हैं लेफ़्ट और राइट में, अप एंड डाउन, टॉप और बॉटम में हम लोग कुछ स्पेस छोड़ते हैं जिसको मार्जिन बोलते हैं। तो ये सारा फॉर्मेटिंग के अंदर ही आता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट टू मेक इट अट्रैक्टिव। तो फॉर्मेटिंग का मतलब है जैसा कि मैंने भी बताया कि डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और डॉक्यूमेंट का जो अपीयरेंस है जो उसका लुक है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग कुछ चेंज करते हैं टेक्स्ट में, टेक्स्ट को पे कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं उसको ही हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। वी कैन क्रिएट एंड डिज़ाइन अपीलिंग डॉक्यूमेंट। अपीलिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव या आकर्षक बनाने की, एक आकर्षक डॉक्यूमेंट को हम लोग डिज़ाइन भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज चेंजिंग फ़ॉन्ट एंड इट्स साइज। तो मैंने बताया है कि फ़ॉन्ट किसको कहते हैं, तो उस फ़ॉन्ट को चेंज करना, उसके साइज को चेंज करना, उसके स्टाइल को चेंज करना इसके अंदर आता है फॉर्मेटिंग के अंदर। और हाईलाइटिंग सर्टेन वर्ड्स, तो कुछ वर्ड को हाईलाइट करना। फिर एडजस्टिंग द स्पेसिंग, तो लाइन के बीच में जैसे आप लोग स्पेस देखते हो तो ये सबको एडजस्ट करना भी फॉर्मेटिंग है। सेटिंग मार्जिन्स एंड टैब्स, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लेफ़्ट में आप लोगों के बुक में भी लेफ़्ट साइड में
यहाँ पर कुछ स्पेस होगा और राइट साइड में भी कुछ स्पेस छोड़ा है और टॉप में भी और बॉटम में भी स्पेस छोड़ा होता है, तो वो मार्जिन कहलाता है। फिर अलाइनिंग टेक्स्ट ऑन ए पेज, फिर लेफ्ट अलाइनमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट पे ख़त्म होता है, तो इस ढंग से हम लोग अलाइनमेंट भी हम लोग सेट करते हैं। क्रिएटिंग बुलेटेड नंबर लिस्ट, तो जैसा कि आप इस पेज में भी देख रहे हैं कि प्रिंट हम लोग किए हैं तो नंबर वगैरह डाले हैं। कभी कभी हम लोग बुलेट भी यूज करते हैं प्रिंटिंग में, टाइपिंग में। तो फिर नेक्स्ट है चेंजिंग टेक्स्ट केस, तो यहाँ दो केस होता है, एक अपर केस और लोअर केस। अपर केस हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ हेडिंग में देख रहे हैं, यहाँ जो सब टॉपिक है, ये सब हेडिंग जो आप लोग देख रहे हैं, ये सारा अपर केस में है, यानी कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम लोग अपर केस का यूज करते हैं, और लोअर केस स्मॉल लेटर में या नॉर्मल जो आप लोग टाइपिंग करते हैं वो लोअर केस में आता है। सो द नेक्स्ट इज अप्लाइंग बॉर्डर, तो समटाइम हम लोग देखते हैं कि कुछ खास सेंटेंस को बॉर्डर के अंदर टाइप किया होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं बॉर्डर डाला हुआ है। नेक्स्ट चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल्स एंड कलर्स, तो टेक्स्ट का स्टाइल और कलर वगैरह भी चेंज किया रहता है, जैसे कि यहाँ ब्लू कलर में है, यहाँ रेड कलर में है, तो ये सब फीचर्स डाल करके हम लोग डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसा कि आप लोग इस पेज में भी देख रहे हैं अट्रैक्टिव लग रहा है और सब कुछ हम लोगों को समझ में आ रहा है और क्लियर भी है। सो द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेटिंग इफेक्ट कैन बी अप्लाइड यूजिंग द होम टैब, तो हम लोग होम टैब को यूज करते हुए फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं। विच कंटेन फॉन्ट्स फॉर्मेटिंग कमांड्स, तो जो कि फॉर्मेटिंग कमांड्स को कंटेन करता है, रखता है फॉन्ट ग्रुप में रखता है। पैराग्राफ ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप में होता है, और टेक्स्ट स्टाइल्स कमांड जहाँ पे कि स्टाइल दिया होता है टेक्स्ट का, फॉन्ट स्टाइल दिया होता है, वो स्टाइल्स ग्रुप में होता है। कॉपिंग एंड मूविंग कमांड्स, तो अगर हम लोग को टेक्स्ट को कॉपी या मूव करना होता है तो उसके लिए कमांड क्लिपबोर्ड ग्रुप में दिया होता है। फाइंडिंग रिप्लेसिंग एंड सिलेक्टिंग कमांड, तो अगर हम लोगों को टेक्स्ट को फाइंड करना है, ढूंढना है, रिप्लेस करना है, यानी दूसरे लेटर दूसरे टेक्स्ट से अगर चेंज करना है और सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए एडिटिंग ग्रुप में हम लोग जाएंगे। सो द नेक्स्ट इज चेंजिंग द फॉन्ट टाइप, तो अगर फॉन्ट टाइप हम लोग को चेंज करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग सीखेंगे। द कैरेक्टर्स ऑफ ए स्पेसिफिक साइज एंड डिज़ाइन, तो कैरेक्टर जो कि कुछ खास तरह का साइज होता है जिसका, और जिसका कुछ खास डिज़ाइन होता है, यूज्ड फॉर टाइपिंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को टाइप करने के लिए यूज किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आर कॉल्ड फॉन्ट्स, तो इसको फॉन्ट्स बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ फॉन्ट ऑप्शन, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम लोगों को उपलब्ध कराता है बहुत तरह का फॉन्ट ऑप्शन। व्हेन यू ओपन वर्ड, जब हम लोग ओपन करते हैं वर्ड को, द टेक्स्ट अपीयर्स इन डिफॉल्ट फॉन्ट दैट इज कैलिब्री बॉडी विद 11 पॉइंट साइज, तो टेक्स्ट जो अपीयर होता है वो, मतलब जो पहले से सेट होता है टेक्स्ट और जो फॉन्ट सेट होता है वो कैलिब्री बॉडी उसका नाम है और उसका साइज होता है 11 पॉइंट साइज। टू चेंज द फॉन्ट टाइप, अब हम लोग फॉन्ट टाइप अगर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट द टेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको कि हम लोग जिसका कि फॉन्ट टाइप चेंज करना चाहते हैं। क्लिक ऑन द होम टैब, तो क्लिक करना है होम टैब पे, जो कि आप लोगों को फिगर 7.1 में आपको इस कॉर्नर पे होम टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट बॉक्स, तो फॉन्ट बॉक्स है और जिसके कि राइट साइड में आपको
ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा जिस पे कि क्लिक करना है। इन द फॉन्ट ग्रुप, तो फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉन्ट बॉक्स मिलेगा। ए लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स अपीयर्स, तो जैसे कि आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रहा है, तो उसमें से किसी भी फॉन्ट को स्टाइल को आप चूज कर सकते हैं। चूज द डिजायर्ड फॉन्ट फ्रॉम द डिस्प्लेड फॉन्ट लिस्ट, तो जो डिस्प्ले हो रहा है, जो फॉन्ट टाइप जो लिस्ट में डिस्प्ले हो रहा है, उसमें से कोई भी जो आपकी ज़रूरत का है उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जर्व द चेंज, उसके बाद ऑब्जर्व करना है आपको कि किस ढंग का चेंजेज हुआ, किस ढंग का वो फॉन्ट दिख रहा है। नेक्स्ट इज नोट। माइक्रोसॉफ्ट हैज सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट टू कैलिब्री बॉडी विद 11 पॉइंट साइज इन वर्ड 2007 एंड वर्ड 2010। तो इस दोनों ही वर्जन में, माइक्रोसॉफ्ट का जो ये वर्जन है 2007 और 2010, इस दोनों में ही फॉन्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, यानी पहले से जो फॉन्ट जब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइपिंग, तो वो जब तक कि हम लोग फॉन्ट को चेंज नहीं किए हैं, तो वो पहले से ही जो कंप्यूटर में सेट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग बोलते हैं। तो वहाँ पे फॉन्ट कौन सा है, कैलिब्री बॉडी, और जिसका साइज़ भी फिक्स्ड है वो है 11 पॉइंट साइज, जिसको कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेयर एज इन प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्ड इट वॉज टाइम्स न्यू रोमन, तो जो कि पहले का जो वर्जन था 2007 और 2010 से पहले का जो एमएस वर्ड का वर्जन था, उसमें टाइम्स न्यू रोमन जो था वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में था। टेक्स्ट का बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या था, टाइम्स न्यू रोमन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अप्लाइंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन। तो हम लोगों को बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन कैसे यूज करते हैं टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उसके बारे में सीखेंगे। द फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन, तो फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन है जैसे कि सच एज बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन आर यूज टू एम्फेसाइज द टेक्स्ट। एम्फेसाइज मीन्स जोर देना या महत्वपूर्ण बनाना टेक्स्ट को, एंड कैच द रीडर्स अटेंशन। तो इन तीनों ही फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन जो कि बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन है, इसको यूज किया जाता है टेक्स्ट को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, उस पर टेक्स्ट पे जोर डालने के लिए, और रीडर्स जो पढ़ने वाले होते हैं, ये यानी जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका अटेंशन को खींचने के लिए, उसका ध्यान अपनी ओर लाने के लिए उसको यूज किया जाता है। जैसे कि हम लोग टॉपिक का, अगर जैसे कि ये कलर्ड है, ये जो टॉपिक है ये कलर्ड है, तो हम लोग का ध्यान इस पर जल्दी जाता है, तो इसलिए ही यूज किया जाता है इस ढंग के फीचर्स को। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ बोल्ड। इट मेक्स द सेलेक्टेड वर्ड डार्कर देन द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। तो जब हम लोग किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो बाकी के और जो टेक्स्ट है जो सेलेक्ट नहीं किए हैं, उनसे ज़्यादा डार्कर बना देता है सेलेक्टेड टेक्स्ट को। अगर हम लोग बोल्ड फीचर्स को अप्लाई करते हैं, तो टेक्स्ट जो है डार्कर दिखता है, ज़्यादा मोटा दिखता है, ज़्यादा कलर जो होता है उसका काफ़ी डीप दिखता है। जैसे कि आपको इस टॉपिक में भी यहाँ पर दिख रहा है कि ये थोड़ा मोटा डार्कर दिख रहा है कलर में। नेक्स्ट इज़ इटैलिक। दिस इफ़ेक्ट एम्फेसाइज द टेक्स्ट, तो ये जो इफ़ेक्ट है इटैलिक इफ़ेक्ट, वो टेक्स्ट को महत्वपूर्ण बनाता है। कैसे, बाय स्लेंटिंग इट टू द राइट, तो राइट की ओर दाईं तरफ झुका करके टेक्स्ट को दाईं तरफ ये झुका देता है, और इस तरह से ये टेक्स्ट को एम्फेसाइज बना करता है, यानी महत्वपूर्ण बना देता है। नेक्स्ट इज अंडरलाइन। इट एम्फेसाइज द टेक्स्ट बाय प्लेसिंग लाइन अंडर इट। तो जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो ये क्या करता है, टेक्स्ट के नीचे लाइन को डाल देता है, और इस ढंग से टेक्स्ट को
महत्वपूर्ण बना देता है और टेक्स्ट पर हमारा जल्दी से ध्यान जाता है। वी कैन अंडरलाइन ए वर्ड और सेंटेंस, तो हम लोग वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हैं और किसी सेंटेंस को भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप दिए गए हैं। सो लेट्स मूव टू द स्टेप। सेलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले हम लोगों को टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग किसी भी ढंग का फीचर्स अप्लाई करते हैं टेक्स्ट पर या सेंटेंस पर, तो हम लोग को सबसे पहले सेलेक्ट करना होता है। सो द नेक्स्ट लाइन इज क्लिक ऑन द बटन बी और आई फॉर इटैलिक और यू फॉर अंडरलाइन इन द फॉन्ट ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोगों को फॉन्ट ग्रुप में जाना है और फॉन्ट ग्रुप कहाँ मिलता है, ऑन द होम टैब, हम लोगों को होम टैब में मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड्स ए वैरायटी ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो विभिन्न तरह का फॉर्मेटिंग ऑप्शन हम लोगों को प्रोवाइड करता है। विच कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ऑन द होम टैब। तो होम टैब में हम लोग सबसे पहले जाएंगे और हम लोगों को फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में हम लोगों को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन को। सिंपली क्लिक ऑन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फॉन्ट ग्रुप। तो हम लोगों को बस क्या करना है, सिंपली फॉन्ट ग्रुप में जाना है और फॉन्ट डायलॉग बॉक्स लॉन्चर को क्लिक करना है।